त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग और मूल रूप से कुछ अधिकारी शरणार्थी प्रत्यावर्तन विवाद में शामिल है। वे नहीं चाहते हैं कि ब्रू शरणार्थी अपनी भूमि में बस जाए। उनका मकसद शरणार्थियों के पैसे हड़पना है। वर्षों से ब्रू शरणार्थी विभिन्न शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और शिविरों में उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए भारत सरकार उन्हें उनकी मूल भूमि में व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ अधिकारी शरणार्थियों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे चीफ सेक्रेटरी से कल रात को भी बात हुई, मैं 11 बजे तक बातचीत किया, ज्यादा नहीं, कुछ संख्यक लोग इसमें कंफ्यूज करना चाहता है इन लोगों को, किंतु जो ब्रू शरणार्थी है वो अपने घर में वापस जाना चाहता है और भारत सरकार ने जो दिशा दिया और जिस तरीके से उनको आदर के सम्मान के साथ मिजोरम के मुख्यमंत्री लालथंग बालान जी ने वहाँ उनको बुलाया, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मैंने 3-3 बार उनसे बात की, NSC में भी बात की, उन्होंने बोला इनके लिए जो जो करना हम करेंगे और ये लोग भी जाने के लिए तैयार है। कुछ लोग, मैंने आज चीफ सेक्रेटरी को बोला, इसमें कुछ अधिकारी भी हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको सस्पेंड करने के लिए कहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालथन हावला और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम की उपस्थिति में हुए एक करार के बाद राज्य सरकार 30 सितंबर 2018 से पहले ब्रू शरणार्थियों को घर वापस भेजने को तैयार है। लेकिन इस मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब ब्रू नेताओं ने यह कहते हुए अपने हाथ वापस खींच लिए कि ब्रू समुदाय इस करार से संतुष्ट नहीं है। मिजोरम सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव लाल बियाग जामा ने कहा कि ब्रू समुदाय एक के बाद एक मांग उठा रहा है और हर मांग पूरी करना असंभव है। Say on this is what I say. I'm sorry that even though agreement have been reached out there at the MHA and the sudden withdrawal of the Brews, it's up to them now. We know nothing about it. On our part, our preparation is going on at full swing. And let's see what happened. I believe now the ball is with the MHA. The Brews people have come up with different demands. Demands after demands, some of them are even impossible. But let's see what happens. It's up to them now. We have nothing to do with that. मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आद्य प्रसाद पांडे को बर्खास्त करने की मांग में आंदोलन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत में कई छात्र घायल हो गए। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस मणिपुर देसम के छात्रों ने कंगला वेस्टर्न गेट में प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और कुलपति प्रोफेसर आद्य प्रसाद पांडे का पुतला फूंका। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए उन पर लाठी चार्ज किया। इससे गुस्साए छात्र पुलिस की शिकायत करने मुख्यमंत्री के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन वहां भी उन पर लाठियां बरपाई गई। मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का लगातार दूसरे दिन भी जंगी आंदोलन जारी रहा। दिस इशू हैज वर्सन अप टू अ सर्टेन लिमिट। मिनिस्ट्री ऑफ एसआरडी मस्ट टेक अ डिसीजन। द डिसीजन शुड नॉट बी अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। मुसा है बीन डिमांडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ
agendas regarding removing of the Professor Ajay Prasad Pandey. There should be an inquiry committee headed by a judicial member, and VC AP Pandey must remove immediately. MSRD must not take decision against the will of the students and teachers. That's all I can say. सिक्किम प्रेस क्लब ने मंगलवार को जनता भवन में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री सोमनाथ पौड़ियाल मुख्य अतिथि के तौर पर तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ए.के. घटानी सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक खगेंद्र मणि प्रधान को सम्मानित कंचनजंगा कलाम पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं पत्रकार निर्मल मंगर को लगनशील युवा पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ महिला पत्रकार हेमा शर्मा और दिल बहादुर सुब्बा को भी सम्मानित किया गया। महिला पत्रकार